everybody welcome to my channel tan suman classes and i'm suman ma'am welcome to all so class 7 today we read chapter number 7 and the name of the chapter is water so before we start the chapter like and subscribe my channel and press the bell icon also अब बच्चों जैसा कि हमने वाटर के बारे में पढ़ा था पार्ट फर्स्ट पार्ट वन में पार्ट टू में हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो पानी है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है तो जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है तो देखिए आज हम चैप्टर सेवन का पार्ट थ्री पढ़ेंगे जिसमें कि हम आज आपको करंट्स के बारे में बताएंगे जो ओशन करंट्स हैं सो बिफोर वी रीड जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि वाटर क्या है वाटर हमारे पास थ्री परसेंट फ्रेश वाटर है और जो वाटर पार्ट जो अर्थ पे है उसको हमने हाइड्रोस्फेयर नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ अगर हम देखें तो हमारे पास में फोर मेजर वाटर बॉडीज़ हैं बहुत लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं जैसे कि फ़ोर ओशनस हैं और उनमें से कौन कौन से हैं पैसिफिक क्वेश्चन है एटलांटिक क्वेश्चन है इंडियन और आर्टिक क्वेश्चन है तो ये आपको एक मोर एक नया क्वेश्चन और है कि आपको मैप स्टडी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है और फिर उसके बाद क्या था कि टेम्परेचर जो है तो टेम्परेचर वाटर जो होता है उसमें टेम्परेचर रहता है यानी इक्वेटर के आसपास जो रहेगा वो पानी थोड़ा गर्म रहेगा और जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है टूवर्ड्स द पोलर रीजन वहाँ पे क्या होगा वहां पे टेम्परेचर नियर द इक्वेटर यानी डिक्रीज हो जाता है ठीक है कहाँ पे पोलर रीजन की तरफ डिक्रीज और वार्मर नियर द इक्वेटर अब स्लैंटी ऑफ वाटर है वो बहुत ज्यादा है यानी वी हैव नाइंटी सेवन परसेंट वाटर ओनली थ्री परसेंट क्या है हमारे पास में फ्रेश वाटर है अब वाटर में भी मूवमेंट होता है यानी वाटर भी मूवमेंट देता है अब किस तरीके से देता है तो ये तीन तरीके से वाटर में मूवमेंट होता है अब वो मूवमेंट किस तरीके से तो फर्स्ट है वेव्स वेव्स यानी तरंगे लहरें यानी ऊपर नीचे जो लहरें उठती हैं वो पानी में मूवमेंट करती हैं सेकेंड है टाइड्स यानी ज्वार भाटा किस तरीके से टाइड आते हैं और टाइड्स क्या होते हैं तो टाइट्स क्या होते हैं जैसे कि प्रियोडिकली राइज एंड फॉल द सी लेवल है ना वाटर का जो वंस और ट्वाइस अ डे मेनली ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून और फिर हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो टाइट्स हैं उनका रोल होता है अच्छा यहाँ पे आपको वेव्स की अगर हम बात करें तो वेव्स जो होती है ना ये क्या होती हैं साइज़ और शेप जो वेव्स की होती है वो डिपेंड करती है वहाँ की विंड्स पे वहाँ पे चलने वाली विंड्स पे और फिर हमने पढ़ा कि किस तरीके से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप स्प्रिंग टाइड और नीट टाइड में डिस्टिंग्विश बिटवीन करिए ठीक है तो आपको जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो यू मस्ट राइट डाउन कि आपको किस तरीके से आप नीट टाइड और स्प्रिंग टाइड में डिस्टिंग्विश बिटवीन करेंगे स्प्रिंग हैव द ग्रेटेस्ट टाइडल रेंज एंड स्प्रिंग टाइड अकेर ऑन द फुल मून एंड द न्यू मून और नीब टाइड की अगर हम बात करते हैं तो नीब टाइड है अक ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ द मून एंड व्हेन द सन मून एंड द अर्थ लाई इन द सेम लाइन यानी तीनों जब सेम लाइन में होगा तब नीब टाइड आएगा और स्प्रिंग टाइड कब होगा जो फुल मून और न्यू मून होता है ठीक है आज हम पढ़ेंगे ओशन करंट्स क्या होते हैं अब ओशन करंट्स यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो वो धाराएं यानी वो महासागरीय धाराएं जो कि पानी में चलती हैं जो पानी में मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह सो द ओशन वाटर मूव्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनादर एंड द मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर इज द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम इज डेफिनेट डायरेक्शन इनकी एक स्ट्रीम होती है जिनकी डेफिनेट डायरेक्शन होती है और फिर ये जाके कहाँ गिर जाते हैं ओशन करेंट्स यानी ओशन सरफेस इज़ नोन एज द ओशन करंट यानी अब ये ओशन का सरफेस जो होता है उसी को ही हमने नाम दे दिया ओशन करंट्स अब ओशन करेंट्स क्या होते हैं लाइक द रिवर इन द सी एंड द बैंक ऑफ द बीच और द सी वाटर ये कहीं पे भी आ सकती हैं जिस तरीके से मूवमेंट ऑफ द करेंट्स जो होता है विजिबल होता है ओशन्स में यानी जब मूवमेंट होता है वो क्या होगा वो हमें दिखता है कि किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है पानी तो ओशन करेंट्स डेवलप टू द वेरिएशन ऑफ़ टेम्परेचर अब आपको यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे जो ओशन करेंट्स हैं उनमें पानी किस तरीके से मूवमेंट करता है तो ये कैसे दिखेगा तो वेरिएशन टेम्परेचर ऑफ़ द ओशन वाटर यानी हमारा जो ओशन करेंट्स हैं उसकी वजह से डेवलप किसकी वजह से डेवलप होते हैं ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ़ द ओशन वाटर यानी ओशन का वाटर कैसा है वेरिएशन ऑफ द डेंसिटी उसका घनत्व कैसा है चलने वाली जो हवाएं हैं उनका डायरेक्शन कैसा है रोटेशन ऑफ द अर्थ जो अर्थ रोटेट करती है उस पर भी डिपेंड करते हैं ओशन करंट्स और शेप और पोजिशन ऑफ द कोस्ट यानी कोस्ट का जो पोजिशन कैसा है उसका शेप कैसा है इन सब की वजह से जो ओशन करंट्स होते हैं वो मूवमेंट देते हैं ठीक है अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ द ओशन करंट इज लार्जली कंट्रोल ऑफ द प्रिवलिंग उनकी वजह से ही ये कंट्रोल होती हैं क्या इनकी डायरेक्शन एंड जनरली अगर हम बात करें तो ओशन करेंट्स क्या होता है क्लॉक वाइज चलते हैं कहाँ पे क्लॉक वाइज चलते हैं ये चलते हैं नॉर्दर्न हेमोस्फेयर में क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज कहाँ चलते हैं ये सदर्न हेमोस्फेयर में ठीक है अब जो मूवमेंट करता है तो मूवमेंट करने की स्पीड को अगर हम देखें तो द मूव एट द स्पीड ऑफ थ्री टू टेन किलोमीटर्स पर आवर यानी कि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और फिर बात करें कि भई ये ड्रिफ्ट में है ना सो द ओशन करेंट्स आर वेरी बोर्ड एंड दिस इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट अब आप कहेंगे कि मैम ड्रिफ्ट है तो ड्रिफ्ट का यानी बह जाना या बहकर आया हुआ और सैडिमेंट्स ऑफ अगर यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रिफ्ट को आपको डिस्क्राइब करूं तो इट मीन ऑल द सेडिमेंट्स क्ले सिल्क सैंड ग्रेवल ट्रांसपोर्टेड बाय अ ग्लेशियर और डिपोजिट डायरेक्टली बाय द फॉर्म ऑफ आइस और द ग्लेशियर मेल्ट वाटर ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर अगर टेम्परेचर की बात करें तो ओशन करंट्स क्या कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स यानी ओशन जो करंट्स हैं वी हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स किस तरीके से वो वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स यानी हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया अब वार्म करंट्स डिफरेंस इज द टेम्परेचर बिटवीन द वार्म एंड कोल्ड करंट्स ऑन अ फ्यू डिग्री यानी इन दोनों के बीच में कुछ ही डिग्रीज uh, का डिफरेंट होता है वार्म करेंट्स क्या करते हैं फ्लो कहां से करेंगे अब वार्म का जहां पे नाम आएगा तो वहां पे किसका नाम आएगा इक्वेटेरियल रीजन का आएगा ठीक है और जहां पे पोलर रीजन होगा वहां पे क्या होगा वहां पे ऑब्वियसली वहां पे कोल्ड होगा ठीक है तो पोलर रीजन जो है और कोल्ड जो इक्वेटेरियल रीजन है यहाँ पे क्या चलते हैं कोल्ड करंट और वार्म करंट अभी कोल्ड करंट और करंट है इसको आपको समझना होगा देखिए वर्ल्ड के मैप में अगर हम देखें तो वार्म करंट कौन सी है रेड वाली और कोल्ड करंट है ब्लू वाली ठीक है तो आप ये देखिए किस तरीके से समुद्र से उठ के जा रही हैं गर्म वाली धाराएं और धरती से है ना पानी आप ये देखिए लुक द ओशन आप ये देखिए किस तरीके से ठंडी तो हमने ठंडी क्या कहा था हमने ठंडी कहा था कि जो पोलर एरियाज से जो जाती हैं वो जाएंगी ठंडी धाराएं और जो इक्वेटरल रीजन से जाती हैं वो जाती हैं गर्म धाराएं है। अब इफेक्ट ऑफ द ओशन करेंट्स की अगर हम बात करें तो जो ओशन करंट्स है ना वो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं अब अफेक्ट किस तरीके से करते हैं तो ये देखिए क्लाइमेट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कोस्टल एरियाज और साथ ही साथ में जो क्लाइमेट होता है और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो भी ओशन करंट से इन्फ्लुएंस होती है किस तरीके से ओशन करंट्स क्या करते हैं वो हमारे टेम्परेचर जो हमारे ग्लोब का डिस्ट्रीब्यूशन होता है टेम्परेचर का ग्लोब में एज पर द वार्म एंड कोल्ड करंट इंक्रीज़ और डिक्रीज टू द टेम्परेचर ऑफ द कोस्टल एरियाज यानी कोस्टल एरियाज के जो तापमान होता है उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने में ओशन करेंट्स का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है ठीक है गर्म धाराएँ कैसी हैं ठंडी धाराएँ चलती हैं वार्म करंट्स क्या करता है वार्म द और किस में जो विंड होती है ना मॉइस्चर बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द विंड होती है कौन सी वार्म और कोल्ड करंट्स क्या होता है डिक्रीज द सेम और डेजर्ट आर मोस्टली फाउंड अलोंग द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स और जो डेजर्ट्स है ना वो वेस्टर्न साइड में ज्यादा है अलॉन्ग विद द कोल्ड करंट्स फ्लोज एंड मिक्सिंग ऑफ कोल्ड एंड वार्म करंट अब आप ये देखिए अब जहाँ पे कोल्ड करंट और साथ ही साथ में व्म करंट मिलती है वहाँ पे क्या होगा वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फॉग मिलेगा और साथ ही साथ में नेविगेशन में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है लेकिन जैसा कि हम बालते हैं हेम्पर्स नेविगेशन में काफ़ी हेल्प भी होती है वो किस तरीके से आपको बताते हैं सो द बेस्ट फिशिंग एरियाज होते हैं वर्ल्ड के जहाँ पे कि वार्म करेंट्स और साथ ही साथ में कोल्ड करंट आपस में मिलती हैं और यहाँ पे कौन से एरिया हैं न्यू जापान, जापैन बिकॉज़ वहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ मिलती हैं यानी गर्म धाराएँ और साथ ही साथ ठंडी धाराएं जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे मछली उत्पादन बहुत बड़ी संख्या में होता है और ओशन करंट्स हेल्प करती हैं नेविगेशन में जो कि हमने पहले बात करी थी कि एक शिप जो है अगर वो समुद्र में है तो ओशन करंट्स चल रहे हैं विल गो फास्टर दस सेविंग द टाइम एंड फ्यूल उसकी वजह से क्या होता है फ्यूल भी बचता है और टाइम भी बचता है क्योंकि शिप को सेलिंग करने में ये करंट्स बहुत हेल्प करते हैं और इन करंट्स की वजह से शिप बहुत जल्दी मूवमेंट करता है वार्म करेंट्स जो होते हैं वो सी पोर्ट्स में क्या होते हैं वार्म करंट्स हेल्प द कीपिंग द सी पोर्ट आइस फ्री अब जो वार्म करंट होते हैं ना उनकी वजह से क्या होगा उनकी वजह से जो बर्फ जम जाती है ठीक है सी पोर्ट्स पे वो नहीं जमती क्योंकि पानी गर्म होता है और दस इट इज हेल्प्स टू ओपन द थ्रू आउट ईयर और इसकी वजह से सी पोर्ट जो होते हैं ना वो खुले रहते हैं क्यों क्योंकि बर्फ नहीं जमेगी वहां पे और वार्म जो होते हैं डेंजर ऑफ आइसबर्ग आपको पता है आइसबर्ग की अगर हम बात करें और टाइटनिक की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि इसी की वजह से तो टाइटनिक जो जहाज है वो डूबा था आइसबर्ग यानी बड़ी बड़ी चट्टाने किसकी बर्फ की ठीक है तो बर्फ की जो सिल्लियाँ होती है ना बड़ी बड़ी चट्टाने होती हैं है ना ग्लेशियर से उतरती हैं बड़े बड़े आइसबर्ग होते हैं समुद्र किसके बर्फ के, के समुद्र जो होते हैं तो आप ये देखिए वार्म करंट्स क्या होते हैं रिड्यूस कर देते हैं किसको को डेंजर को आइसबर्ग के और इससे क्या होता है शिप्स को सेलिंग करने में ईजी रहता है सो so, आज आप देखिए कि किस तरीके से हमारे जो करंट्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं ओशन करेंट्स हमारी लाइफ में हेल्प करते हैं हमें समझने के लिए ये बात कि जहाँ पे ओशन करंट्स चलते हैं वहाँ पे आइसबर्ग भी कम होगी वहाँ पे मछली उत्पादन भी ज़्यादा होगा और साथ ही साथ में ये जो ओशन करेंट्स होते हैं ये कोस्टल एरियाज के इकोनॉमिक और क्लाइमेटिक जो कंडीशन होती है उसको भी डिसाइड करते हैं सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब माई चैनल